ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं मित्र पुलिस या लाठी पुलिस, राजनीति साजिश का सच, और सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। रणजीत रावत जी, अगर आप देखें, लगभग सभी को आपने भी सुना है, और मित्र पुलिस या लाठी पुलिस इस पर ही बात हो रही है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अभी आप देखिए कि G20 की बैठकें दो होनी है और जल्दी होनी है, नैनीताल में और देहरादून के अंदर, और ऐसे में यहाँ पर आप देखेंगे कि युवाओं का प्रदर्शन होता है और अचानक लाठियाँ भी चल जाती हैं, पथराव भी हो जाता है और बड़ा बवाल हो जाता है। तो इसे संयोग माने या राजनीति माने, यहाँ ये भी एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि हर कोई बोल तो रहा है, लेकिन ये जो लाठियों का सिलसिला शुरू हुआ है, ये कब से शुरू हुआ है? कौन अधिकारी उस जगह बैठे हैं जिनके आने के बाद लाठी उनको ज्यादा पसंद आती है? इस पर भी बात होनी चाहिए। और आपके यहाँ की भी बात की है बिष्ट जी ने, आपके कार्यकाल की भी बात की है कि लाठियां आपके यहाँ भी कुछ लोगों को पसंद थी। रणजीत रावत जी, जी जी, पहले तो मैं वीर जी हमारे साथी हैं और पुराने पार्टी के साथी हैं, उन्होंने एक चीज कही कि हम जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो बैठे हैं धरने पे, उनको अपराधी नहीं मानते, उनका दोस्त नहीं मानते, और दूसरी तरफ उनके खिलाफ बड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमे सरकार ने लगा दिए हैं। तो ये अगर ये उनको अपराधी नहीं मानते तो उन पर मुकदमे क्यों लगा गए? और जब मुकदमे लगा दिए हैं तो आप किस उससे कह रहे हैं कि हम उनको दोषी या अपराधी नहीं मानते? तो ये जो दोहरापन है, ये राजनीति के लिए सबसे ज्यादा घातक आज हो रहा है। और जहां तक रही लाठी चलने की बात, तो जहां जहां भी कांग्रेस के शासन में लाठियां चली हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई है उसी समय। और मैं कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस ने चलो गलती किया तो कांग्रेस को तो लोगों ने हटा दिया ना, उसकी जगह तो आज आपको सत्ता सौंप रखी है और लगातार दूसरी बार सौंप रखी है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कांग्रेस ने किया तो आप ऐसे ही करेंगे, ये कोई उत्तर नहीं है। उत्तर ये है कि आप होना उत्तर ये चाहिए था कि वो छात्र या युवा जब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आप कई सारे मामलों में सीबीआई जांच की मांग स्वीकार अनशंसा कर चुके हैं, तो उसमें क्यों नहीं करवा रहे? और दूसरा, वो कह रहे हैं कि आप लीक प्रूफ जो है परीक्षा करवा दीजिए, तो ऐसी मांग तो नहीं है उनकी कि वो कह रहे हो नहीं आप शासन ही छोड़ दिए, हम ही चलाएंगे या सारा नीलगगन हम ही ले लेंगे। नहीं, रणजीत रावत जी, बात ये हो रही है कि जब कानून भी बनाया जा रहा था, जब बात भी हो रही थी, तो फिर भी सवाल कहाँ है? या तो जो उत्तराखंड पुलिस है वो सही काम नहीं, नहीं जब कर रही कानून है। बनाया जा रहा था, बात हो रही थी, तो फिर लाठी क्यों चली? हाँ, बात तो ये है ना, लाठी क्यों चली जब सारी चीजें थी? तो लाठी क्यों विपक्ष चली? और वो भी ऐसी जगह पे है, प्रदेश की राजधानी देहरादून, देहरादून का भी दिल जो है घंटाघर और गांधी पार्क, अगर वहां पर भी सरकार के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, तो भैया वो स्मार्ट सिटी का क्या हुआ जिस पे आपने सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए? कहाँ गया वो स्मार्ट सिटी? अच्छा, रणजीत रावत जी, जो युवाओं पर मुकदमे कायम हुए हैं, जिसको लेकर अभी आप कह रहे हैं कि युवाओं पर मुकदमे कायम हुए हैं, अगर वो वहां पे उस तरीके की चीजों में नहीं थे तो मुकदमे वापस होने चाहिए, ये विपक्ष की मांग है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, खुद हमारे साथी वीरेन्द्र जी ने कहा है कि हम उनको दोषी नहीं मानते। अरे हाँ, भाई, दोषी नहीं मानते तो उनके खिलाफ आपने इतने गंभीर धाराओं में मुकदमे क्यों दर्ज कर दिए? अगर आप नहीं मानते हो तो मुकदमे को तत्काल और उनके साथ वार्ता करो। रणजीत भाई, ये भी तो होना चाहिए ना कि आपको ये भी कहना चाहिए कि जो माहौल है वास्तव में वो भी खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर इस तरीके का माहौल नहीं है, ना कभी रहा। कभी नहीं रहा, लेकिन अब बनाया जा रहा है ना कि उनको दोषी भी नहीं माना जा रहा है और कई गंभीर धाराओं में भी ठोक दिए जा रहे हैं, और घंटाघर जैसी जगह पर कहा जा रहा है कि असामाजिक तत्व तो आ गए। अरे भाई, खंगालो, मीडिया के भी कैमरे खंगालो, अपनी स्मार्ट सिटी के कैमरों को भी खंगालो, जो जो आए होंगे सब वही तो होंगे। कौन सी दुनिया जमाने की बात कर रहे हैं आप? ज्योत सिंह बिष्ट जी, रणजीत रावत जी ने भी कहा बहुत सारी चीजें हैं और सभी चीज आपके सामने भी हैं। आखिर अब आगे क्या हो, क्योंकि युवाओं की बात है और लगातार सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसे लेकर तो
तो कहीं सवाल इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा था कि जो सीबीआई जांच हो, क्योंकि इससे पहले भी सीबीआई जांच हुई है, बहुत सारे प्रकरणों में हुई है, तो इसमें भी हो जाती। एक तो सवाल यही है कि आखिर सीबीआई जांच को लेकर ये क्या गारंटी है कि जो सीबीआई जांच कर दी जाएगी तब कोई सवाल नहीं रहेंगे, तब ये नहीं कहा जाएगा कि सीबीआई पिंजरे का तोता है, क्योंकि ये भी फिर बहुत सारी चीजें हैं ना गोस्वामी जी। मैं पहली जो बात कर रहा हूं, हाँ, वीरेंद्र भाई ने अभी कहा कि छात्रों का कोई दोष नहीं है जी, तो वीरेंद्र भाई आज आपके चैनल पर इसी डिबेट में ऑन ईयर कहें और जिम्मेदारी के साथ कहें कि जिन 13 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार करके उन पर 11 धाराएं लगा करके बहुत ही उनको अपराधी किस्म की प्रवृत्ति के लोग हैं ऐसी धारा लगा करके उनको जेल में डाला हुआ है, उनको आज के आज रिहा करें। नंबर एक बात, नकल विरोधी कानून मुख्यमंत्री जी ने जिसको कल राज्यपाल जी के यहाँ भेजा स्वीकृति के लिए, इस आंदोलन से पहले भेज देते शायद ये घटनाक्रम होता ही नहीं। मतलब सारी चीजें त्वरित होनी चाहिए ज्योत सिंह बिष्ट जी, अजी कुछ तो समय लगता है ना प्रक्रिया में किसी चीज को बनाने में। मैं ये कह रहा हूँ कि कल फिर कल कैसे वो समय पूरा हुआ, जब हाँ, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ तब कैसे समय पूरा हुआ। सरकार चीजों को खींच रही है, एक कहावत कहते हैं ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हाँ, नकल होती रहेंगी क्योंकि जितनी भर्ती परीक्षा की नकल उजागर हुई उन परीक्षाओं में भाजपा के किसी छुटपैया नेता का चेहरा सामने आया है, और इसका मतलब ये सत्ताधारी दल इस नकल जो घोटाले हैं कहीं ना कहीं कोई इनके पार्टी का बड़ा सफेदपोश है अंकिता हत्याकांड के वीआईपी की तरह, और इसकी वजह से सारी लीपापोती हो रही है। दूसरी तरफ जो राज्य सरकार की हालत है आज, आर्थिक स्थिति है, लोगों को नौकरी देंगे तो तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, तो परीक्षाएं लिंगरऑन होंगी, उसमें नकल के घपले घोटाले होते रहेंगे, इस ढंग के आंदोलन होते रहेंगे, लड़के ओवर एज होते रहेंगे, नौकरी देने की जरूरत खत्म हो जाएगी और कुछ लोग मुकदमे में जाएंगे। आखिर ये सब जो घटनाक्रम हो रहे हैं इसको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार इससे कैसे मुकर सकती है? सरकार में जो बैठे लोग हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे बाकी मंत्री हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कैसे अपनी जिम्मेदारी से मुकर सकते हैं? कैसे कल इतना बड़ा जन सैलाब जो वहां पर बेरोजगारों का इकट्ठा हुआ, कहां था पुलिस का जासूस तंत्र? उसको क्यों नहीं पता चला कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं? सरकार वो कहां फेल हो गया? कह रहे कि साहब आज कह रहे कि षड्यंत्र हुआ। मैं कह रहा हूं इस बात की वीडियो फुटेज खंगाल करके 24 घंटे हो गए, क्यों नहीं देखा गया कि साहब जो कल की घटनाक्रम है उसमें लाठी पहले चली या पुलिस या पत्थर पहले चले? मुझे जो वीडियो दिखाई दिया उसमें पुलिस ने जब लाठियां मारी खूब कस कस के बेरोजगार नौजवानों पर, उसके बाद पत्थर चलने की बात सुनाई दी। तो जब पत्थर बाद में चला, लाठी पहले चली, तो फिर इस घटनाक्रम को जो ये घटनाक्रम घटित हुआ, इतना जो खराब घटनाक्रम घटित हुआ, इसका असली दोषी कौन है? पुलिस है, और उस पुलिस को, उस पुलिस के अधिकारी जिसने मजिस्ट्रेट से परमिशन ली होगी, उस मजिस्ट्रेट जिसने और ऊपर अपने किसी सत्ता में बैठे आका से परमिशन ली होगी, इसकी 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 सच्चाई कौन जनता के सामने लाएगा? वीरेंद्र भाई बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि साहब ये हुआ वो हुआ। भाई आपने जब UK SSSC की भर्ती परीक्षा में एक के बाद एक नकल हो रही है परीक्षाओं में, ये सारी चीजें उजागर होने के बाद आपके मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सीनातान करके कहा कि साहब अब हम लोक सेवा आयोग से परीक्षा कराएंगे, वहां नकल नहीं होगी, क्यों हो गई नकल? ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए नकल माफियाओं पर रोक नहीं लगा पा रही है, इसलिए ये सरकार पुलिस का सहारा लेकर के आंदोलन को दमनकारी तरीके से खत्म करना चाहती है, ये हमारा आरोप है, हमारी मांग है कि बेरोजगार। आप भी एक चीज बताइए, क्योंकि एक सवाल आपसे भी ले रहा हूँ, वो सवाल मैंने रणजीत भाई से भी लिया था लेकिन वो बड़े इत्मीनान से वो जवाब टाल गए। आपसे ले रहा हूँ वही सवाल कि G20 की बैठकें होनी है और अचानक से इतना बड़ा हंगामा चलता है, तो नहीं लगता कि राजनीति हो रही है? नहीं, राजनीति कौन कर रहा? हाँ, ये सत्ता में जो बैठा दल है ये सत्ता भी चला रहा है, ये राजनीति भी कर रहा है, बाकी लोग तो बेरोजगारों के साथ समर्थन में है। हमारी फिजिकल प्रेजेंस हमारे किसी नेता की वहां पर नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल कांग्रेस की भी नहीं थी, किसी और दल की भी नहीं थी,
बेरोजगारों ने किसी से ऐसे समर्थन नहीं मांगा कि हमारे साथ यहाँ पर हमारे मजमे में भीड़ लगाओ, वो अपने आप में काफी थे। तो पत्थर भी चलवाए होंगे तो सत्ताधारी दल ने चलवाए, और इसके दोषी होंगे तो वो होंगे। अच्छा ज्योति मिश्र जी, क्योंकि अभी मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं, तो वो जो जांच है उसकी लेकर भी हम बात कर लेते हैं कि जांच में केवल वो जो पहले लाइन के चेहरे हैं जी, जो अभी जैसे बात हो रही थी, जो सिपाही हमारे हैं, उन पर ही केवल कार्रवाई ना हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि किसी अधिकारी ने लाठी चलाने के लिए किसी मजिस्ट्रेट से आदेश लिया होगा। हाँ, मजिस्ट्रेट ने निश्चित रूप से सत्ता में बैठे किसी बड़े राजनेता से आदेश लिया होगा या बड़े अधिकारी से आदेश लिया होगा। फोन कॉल डिटेल्स होंगी, खंगाल लिया जाए ईमानदारी से। और किस मजिस्ट्रेट की जांच, हम कह रहे हैं ये सारे घपले की जड़ जो है इसको खत्म करने के लिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच करा दी जाए। तो सीबीआई जांच से मामला चलेगा। जब विपक्ष का कोई आरोप नहीं लगेगा कि सीबीआई ठीक जांच करेगी, तब सही है सब। मैंने कहा सिटिंग जज, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच करा दीजिए। बिल्कुल अमन बत्रा जी, अब आपको क्या चाहिए, बेरोजगार क्या चाहता है? अब चलिए, जो कल का एक हंगामा हुआ वो बड़ा एक, हम ये कहेंगे कि ऐसी घटना है जो वास्तव में एक दाग उत्तराखंड के अंदर लग गया है अब। और लाठी पुलिस जो है वो कतई भी बर्दाश्त नहीं है। युवा जो है वो अपनी मांग पर था और उसकी मांग भी जायज है, तो अब आगे क्या? क्योंकि माहौल जो खराब होता है वो उत्तराखंड का माहौल खराब होता है, जो आरोप लगते हैं वो यहाँ के युवाओं पर आरोप लगते हैं। सर सबसे पहली बात तो यह है कि बेरोजगार युवा तो रोजगार ही चाहता है। हाँ, और जो हमारा युवा, हम जैसा युवा जो पेपर देने जा रहा है, वो सबसे पहले यही कहेगा कि आप ऐसा अध्यादेश लाइए, आप ऐसा प्रदेश के अंदर शासन चलाइए कि ये पेपर लीक की बात ही ना आए। तो अभी जो नकल कानून बनाया है उसमें आप सहमत हैं उससे? उनकी बात मैं सुन रहा था। अमन, जो नकल कानून अभी बनाया है जिसका एक गया है ड्राफ्ट, अगर इतना बड़ा हंगामा हो गया अभी अभी, सर जैसे अभी मैं सुन रहा था जो जोत सिंह बिष्ट जी ने कहा कि कल उन्होंने अध्यादेश वहां दिया, तो ये इतना बड़ा हंगामा होने के बाद लाठियां भांजी गई हमारे ऊपर, आज वो कल अध्यादेश वहां जा रहा है, इससे पहले सरकार कहां थी? अभी भाजपा के जो हमारे माननीय, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस के टाइम में ये हुआ वो हुआ। अगर मैं पास्ट की बात ना करके प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करूं, तो आपका हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर कहां जा रहा है? हमारे प्रदेश के युवाओं की तो यही मांग है कि या तो हमारे उसमें, अभी पेपर देने की बात कर रहे हैं, अभी आप हमारे पेपर देने की बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर धाराएं ऐसी ऐसी लगा दी गई हैं कि हम तो पूरी उम्र कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाएंगे। हमारा युवा वहां पे मांग कर रहा था कि सीबीआई जांच बिठा दीजिए, जो प्रदेश में बैठी सरकार है या प्रदेश के बैठे जो जो धांधली कर रहे हैं इन चीजों में, उनका सामना हमें तो पता लगे हम कहां गलत हैं, हमारे प्रदेश का युवा कहां गलत है। अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई बंदा प्रदर्शन कर रहा है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हर कोई अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है सरकार के आगे अगर वो गलत कर रही है। वीरेंद्र जी देखिए, बिल्कुल एक बड़ी बात है अमन ने कहा है, भांजी गई। हाँ, बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये सारी चीजें हैं, आपको सीबीआई करा देने में क्या दिक्कत है? क्योंकि ऐसा तो कुछ था नहीं कि कोई बहुत बड़ी मांग वो कर रहे थे, और जब कानून आप लेके आ ही रहे थे तो उसके बाद भी जो लाठियां चली तो कहां तक सही है? और जो युवाओं पर, जो सबसे बड़ी बात है, देखिए रणजीत रावत जी ने भी बोला, ज्योति सिंह बिष्ट जी ने भी बोला, और आप भी कह रहे थे कि युवाओं का कोई दोष नहीं, और हर कोई यही कहेगा उत्तराखंड के अंदर, हर कोई ये कहेगा कि अगर वो मांग कर रहे थे, अरे ठीक है जवान है, बच्चे हैं अपने, तो क्या उनके ऊपर इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमे कायम कर दिए जाएंगे? क्या वो सही है? वीरेंद्र जी देखिए, जहाँ तक प्रश्न है अध्यादेश लाने का, ये कठोर कानून लाने का, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पिछले महीने ही इस बात को डिसाइड कर लिया था। उन्होंने ऐलान किया था कि जो कमिंग हमारी जो कैबिनेट है उसमें हम एक कठोर कानून लाने वाले हैं नकल को लेकर, इस तरीके की जो पेपर में धांधली होती है उसको लेकर। हाँ, उसके लिए हम कानून बना रहे हैं, तो हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस तरीके से भाजपा की सरकार ने किया है या कर रही है, ये जो सब कुछ आज हो रहा है, जितने भी नकल विरोधी पकड़े जा रहे हैं या इस तरीके का एक तंत्र हो रहा है, ये तंत्र विकसित हुआ है, ये सब कांग्रेस शासन काल में हुआ है, और कांग्रेस शासन काल में इसकी जड़ें मजबूत रही हैं। अगर कांग्रेस शासन काल में इसको रोकने के लिए कठोर कानून लाया जाता, आज बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होता।
जहां तक प्रश्न है कि बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कल शाम को ही गढ़वाल कमिश्नर जो सीनियर आईएएस होते हैं उनके उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी, उनको जांच अधिकारी बनाया गया है और जांच अधिकारी बनाकर उनको तुरंत इसकी जांच करने के लिए कहा गया है। अगर ये बच्चे निर्दोष होंगे, हमारे छात्र छात्राएं हैं, अगर ये निर्दोष होंगे तो निश्चित रूप से इनको बरी किया जाएगा। जो इसमें असामाजिक तत्व होंगे जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है षड्यंत्र के तहत वीरेंद्र जी ये नहीं कहेंगे आप खिलाफ कार्रवाई होगी, खुद युवा मुख्यमंत्री हैं, कानून व्यवस्था सारी चीजें समझते हैं वीरेंद्र भाई, युवा मुख्यमंत्री हैं, सारी चीजें समझते हैं कि युवाओं का जोश क्या है, उनके अंदर भी एक पीड़ा है, तो ऐसे में बड़ा दिल कर मुकदमे वापस नहीं होने चाहिए क्योंकि विपक्ष को जवाब देने के लिए एक बड़ी चीज। देखिए मुख्यमंत्री जी, संजय जी मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर संवेदनशील भी है, चिंतित भी है कल से कि बच्चों के साथ में जो भी घटना हुई है उसको लेकर बहुत चिंतित और संवेदनशील है। इसलिए इन्होंने गढ़वाल कमिश्नर को जांच अधिकारी बनाया है और जो भी इसमें तथ्य पाए जाएंगे अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देखेंगे एक दो दिन में निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, किसी को हम बख्शने वाले नहीं है। जब नकल में हम किसी को नहीं बख्शा, चाहे वो किसी भी दल का था, कितना ही बड़ा ऊंचा अधिकारी था, ये कोई था, आज भी आरबीएस रावत जो चेयरमैन थे, जो कांग्रेस ने चेयरमैन बनाया था उनको, आज भी वो जेल के अंदर है, दूसरे बड़े बड़े लोग जेल के अंदर है। हम किसी को बख्शने नहीं जा रहे हैं, किसी के साथ हम पक्षपात करने नहीं जा रहे हैं, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं अमन बत्रा को, ये उनके साथियों को, ये बेरोजगार नौजवानों को, छात्रों को, हम उनके हितेशी हैं, हम उनके लिए नौकरियां लेके आए हैं। हमने 2024 तक 38,000 नौकरी का लक्ष्य रखा है, कांग्रेस इसको होने नहीं देना चाहती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि पहले सारी जांचें पूरी हो तब भर्ती प्रक्रिया हो जाए, वो नहीं चाहती कि 2024 तक लोकसभा चुनाव तक उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी हमने पुलिस में अग्निशमन कर्मियों की 2300 भर्तियों को उनके लोगों को पास आउट हुए हैं, उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, दूसरी भर्तियां संपन्न हुई है, जहां घोटाले हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, नया अध्यादेश भी आ गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा पे पुष्कर स्वामी जी जिस ईमानदारी से मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं उनके उस पर कोई निष्ठा पर आँच नहीं आनी देनी चाहिए, ना ही किसी को उन पर शंका करनी चाहिए। बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति से वो राज्य के लिए काम कर रहे हैं, हमने इस राज्य से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तमाम तरीके के। वीरेंद्र भाई ये बताइए क्या युवाओं की जो मांग है, वीरेंद्र भाई युवाओं की जो मांग है सीबीआई की, इस पर विचार होगा जी? ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि सारी चीजें कांग्रेस पे थोप देने से तो कुछ होगा नहीं। ये कहते हैं कि मुसीबत आ रही है और आंख मिच लेंगे तो मुसीबत चली जाएगी, ऐसा तो होना आपको नहीं आपको आपको उन लोगों के चेहरे भी बेनकाब आप करने होंगे जो आज इस तरीके के षड्यंत्र करके उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, आज उन छात्रों का उनको जो है उनके सामने आकर जो उनके हितेशी बनने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे भी विपक्ष के बेनकाब होने चाहिए। आज जो भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं, दिल्ली में जब सीबीआई इंक्वायरी की बात होती है वहां सीबीआई का विरोध करते हैं कि सीबीआई सरकार की एजेंसी है और सरकार जो है वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, और इस राज्य में उनकी सरकार मेरी जांच करोगे तो मुझे दिक्कत होगी, आपकी जांच करेंगे तो खुशी होगी। वीरेंद्र भाई ऐसा होता है, अगर आपकी जांच हो तो मुझे खुशी होगी, हमने जब मेरी जांच होगी जेल में डाल दिया। संजय जी बात सुनिए, संजय जी जब अपराधी जेल जा रहे हैं, उनके अकाउंट सीज हो गए हैं, उनकी संपत्ति कुर्क हो गई है, तो आप बताइए इसके ऊपर कोई जांच रहती है? कोर्ट में सारे विषय चल रहे हैं। रंजीत राव जी जवाब दीजिए कि अपराधी आज भी बाहर घूम रहे हैं, फलाना अपराधी बाहर घूम रहा है, उसको आपने पकड़ा नहीं, जेल नहीं डाला, तब आप कह सकते हैं कि भाई आपको सीबीआई जांच करानी चाहिए, अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए, आपने उसका पर्दाफाश नहीं किया। जब सरकार निष्ठा के साथ काम कर रही है, सारे अपराधियों को जेल में डालने का काम किए है, उनकी संपत्ति कुर्क कर ली है, उनके अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, कोर्ट ने भी इसको सही माना है। अच्छा, कोर्ट ने भी कहा है कि सरकार रणजीत रावत जी जवाब दीजिए, और दूसरी बार उसके बाद ये भी है, ये दिक्कत जो उत्तराखंड का बेरोजगार हुआ है वो वास्तव में राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए, पर बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, जवाब दीजिए आप वीरेंद्र सिंह बिश्व जी की बातों का। जी रणजीत भाई देखिए, जहां तक इस समय बीरेन जी की बात का जवाब मैं दूं, वो बार बार कह रहे हैं कि सीबीआई की मांग क्यों, भाई आपने मैंने कहा ना आपने एक नहीं अनेक मामलों में सीबीआई की जांच कराई है, और कहो तो मैं बता दूं किन किन में कराई है, और सीबीआई जांच की मांग हमने नहीं की है इस समय, इस प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग यहाँ का जो बेरोजगार युवा है उसको जांच दीजिए या उसको नौकरी दीजिए,
आप ना एग्जाम करा सकते हैं, आपने पहले भी कानून बनाया जब यूके ट्रिपल एससी का मामला आया, उसके बाद आपने कठोर कानून बना दिया और बड़ी बड़ी बातें की, उसके बाद फिर पेपर लीक हो गया, अभी तक का पटवारी वाला हो गया रिसेंट में, तो आप फेलियर पे फेलियर को ये कह करके छुपाना चाहोगे अपने कि नहीं पीछे वालों ने किया, पीछे वालों ने किया, उनको लोगों ने घर बिठा रखा, तो सत्ता बिठा रखा, बिठा रखा जैसा पिछले वालों ने किया वैसे क्या करोगे? आपने कई मामलों में सीबीआई की जांच की, चाहे वो MH-74 का हो, अरे रावत जी वाला मामला हो, या त्रिवेंद्र सिंह जी वाला मामला हो, या दूसरे मामले हैं, तो इसमें आपको करने का हम और डिमांड हमारी नहीं है, डिमांड नौजवानों की है, आप कराइए या उनको आप जो उनकी मांग है करके दीजिए। आप भर्ती पे भर्ती निकाल रहे हो, हर बार फीस जमा करा रहे हो, एग्जाम करा रहे हो, उनका कैंसिल करा रहे हो गया। तो हमने जल्दी से बात कीजिए न देख करके, ये अच्छा है मोदी जी जवाहरलाल नेहरू जी को कहते रहते हैं कि मुझे सरकार नहीं चलाने दे रहे, और वैसे यहाँ वालों ने सीख लिया। तो अपने फेलियर को छुपाने के लिए दूसरे पर मत डालिए, आपको मौका मिला है अपने परफॉर्मेंस दिखाइए। देहरादून जैसी जगह में जिसको आप दिन रात डिटोटा पीट रहे, हमने स्मार्ट सिटी बना दी, वहां पे भी छात्रों का भविष्य को हम और सशक्त और मजबूत करने का काम कर रहे हैं, भर्तियों के माध्यम से हम उनकी उनको नौकरियां दिलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं चाहती है कि उनको समय पर नौकरियां मिले, उनको जो है हर तरीके से व्यवधान कांग्रेस कर रही है, कभी कोर्ट में चली जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, हर बार रुकावटें पैदा करने का काम कांग्रेस कर रही है। इस राज्य में आप छात्रों का, आपने बेरोजगारों का जो दोहन किया है, आपकी सरकार में तो आपको हरीश जी के टाइम पे कितना दोहन हुआ है छात्रों का, बेरोजगार नौजवानों का, जब भी उन्होंने डिमांड किया कितने लोगों को रोजगार आपने दिलाया है। 2016 में आपने ग्राम विकास से अधिकारियों को आवेदन पत्र दे दिए, उनको नौकरी के अपॉइंटमेंट दे दिए, कितना बड़ा घोटाला आया था, बाद में हमको उनको उनको निकालना पड़ा, उनको जो है निराश राज्य में। अरे तो कांग्रेस शासन काल में आपने जो पहली सरकार आपकी तिवारी जी के शासन काल में थी, तहसीलदार घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, एक ही गांव के 17-17 पटवारी उसमें जो है हो गए, लेकिन कभी जांच बैठाई किसी भी उसमें? हमने जांच बैठाने का काम किया भाई, हमने लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया, उनको जेल भेजने का काम किया, हम इस जड़ से। चलिए बिल्कुल, और समय खत्म हो गया और आप मामला बड़ा है, लेकिन सवाल यहाँ हमेशा ये बना रहेगा कि आखिर लाठी क्यों भांजी जाती है? अब 307 के मुकदमे लगा रहे हैं, ये कोई तरीका है? नौकरी मांगने वाले जो ठगा गया है उस पे 307 के मुकदमे लगा रहे हैं ताकि उनका आंदोलन, जो उनके मुखिया उन सब पे आपने। चलिए बिल्कुल, अभी बहुत सारे सवाल हैं, सवाल रहेंगे भी, क्योंकि बात उत्तराखंड के युवाओं की है, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में लोक सेवा चयन आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में जमकर धांधली हुई थी, जिसे लेकर प्रदेश के लोग वास्तव में निराश थे, लेकिन लगातार सरकार इस पर कार्रवाई भी कर रही थी, लेकिन कल की घटना ने वास्तव में सबको एकदम से दुखी कर दिया है। हर कोई दुखी है कि आखिर उत्तराखंड का युवा जो पहले से ही बहुत सारी चीज़ें इतना संघर्ष करता रहा है, उसके साथ कल ऐसा हुआ। यहाँ एक और बात यह है कि जो टाइमिंग है उसे लेकर भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, ऐसे में G20 की बैठकें दो दो उत्तराखंड के अंदर होनी है, उसके बाद भी अगर युवाओं को इस तरीके से इस्तेमाल करने की बात होती है तो उस पर भी जाँच होनी चाहिए। हाँ, युवा मुख्यमंत्री है, बड़ा दिल है और लगातार वो लग भी रहा है कि इसको अपने आप स्वयं मॉनिटर भी कर रहे हैं, तो ऐसे में जो युवाओं के ऊपर मुकदमे कायम हुए हैं उस पर भी बात होनी चाहिए, कहीं ना कहीं देखना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन से अधिकारी हैं जिनके कार्यकाल में इस तरीके की लाठीबाजी का प्रचलन चल पड़ा है उत्तराखंड के अंदर। ये एक बार और जान ले कि उत्तराखंड का जो युवा है वो संघर्ष करना जानता है, लाठी खाना भी जानता है, लेकिन लाठी के दबाव में, जो लाठी का दबाव है उसके अंदर वो टूटेगा नहीं। तो बात जो है इतनी सी है कि उनकी मांग जो है वो भी जाया जाए, सरकार को भी चाहिए कि उस मांग को देखें और उन्हें समझाएं, और युवाओं को भी चाहिए कि माहौल खराब करने से कुछ नहीं होने वाला, उत्तराखंड को बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ मिल रहा है। तो ऐसे में उत्तराखंड के युवाओं की भी जो जिम्मेदारी है वो ये भी है कि वो भी राजनीति का शिकार ना हो।
और एक बार फिर हम यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी युवा हैं, बड़ा दिल है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी बड़ा दिल दिखाकर जो युवा हैं उनकी बातों को सुनेंगे। इस खास सत्ता के टेम्परेचर में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।